ये रहा तड़का और ये रहा चिप्स हाँ, ये रहा रोटी भुजिया। हम लोग की पूजा समाप्त हो गई है, अभी दिखाती हूँ मैं से। बहन नींद में है क्या? घंटी जोर से नहीं बज रही। आरती पढ़ रही है। ना दीदी आरती पढ़ रहा लो। ते पढ़ ली ना? ते ही पढ़ ले, अभी पेट में चूहा कूद रहा है। आज मिलेगी नहीं खाना? नहीं खाओ जाओ आप। बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्या मुंह से? वो तो मुंह से मैं बोल रही हूँ, खाने में भूख लगी है। तो नीचे बैठ के खाइए धरती माँ के पास। नीचे बैठने की बात कर रही हूँ, कुर्सी हटाओगी तभी तो। खाना बात चंदन देखो हमें प्रिया तड़का देना तो लाका अब पानी तड़का क्या हुआ खाओ ना लो जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं कृति भारद्वाज आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मंगलवार है और आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में कल जो मैंने मेहंदी लगाया था उसका कलर कैसा आया। इधर से तो कुछ डिजाइन नहीं दिख रहा है। और अभी मेरा पूजा हो गया, सुबह उठी थी तो लास्ट रात पूजा पाठ कर ली हूँ। और खाना खाने के बाद अभी छत पर बैठी हूँ। आज बारिश हो रही है आप देख सकते हैं, तो बारिश के कारण पूरा छत भींगा हुआ है। मुझे नीचे मन नहीं लग रहा था, मैं सोची और खाना अभी एक दिन अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो दोबारा जब आप खाना खाते हो तो आपको ज़्यादा खाना तो खाया नहीं जाता। सोची हवा में जाकर बैठ जाती हूँ और हवा में अकेले में बैठना मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप शांति से जाइए, मन नहीं लग रहा कुछ, शांत एकदम से बैठ जाइए। तो मुझे जब भी मतलब नीचे से मन नहीं लगता तो मैं छत पे आकर आराम से बैठ जाती हूँ। कहेंगे कि आप लोग अकेले कैसे बैठ सकती हैं? हाँ जी, मैं अकेले बैठती हूँ। खुद से अपने मन में मतलब कुछ पॉइंट लेना, खुद से सवाल करना, खुद से जवाब देना, ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं बाल में ना मेहंदी, वही जो मैंने बोला था ना आपसे कि हाथ में लगाने उंगली में लगाने पर जो बचता है मैंने अपने बाल में लगा लिया था। तो कल नाग पंचमी है जिसके लिए मैं जा रही हूँ सामान खरीदने के लिए, कुछ राशन का। और अभी 2 बज रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा होगा कि धूप ही है। और ये बुआ आई थी जो कि अब गाँव जा रही हैं नागपंचमी में अपनी मम्मी से मिलने के लिए। तो ये ज़्यादा देर हम लोग के यहाँ नहीं रुकी, 1-2 घंटा रुकी, उसी में बोल रही हैं कि अब जाएंगे। तो मैं सोची कि मैं मुझे भी जाना है दुकान सामान लेने के लिए, तो इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। और ये देख सकते हैं बुआ थैला लेकर जा रही है ना, कितने सारे सामान लेंगी पता नहीं इसलिए थैला लेकर चल रही हैं। अच्छा अमरूद देखकर आप लोग को लालच आ गया? नहीं, कीड़ा रहता था लगा, ये दाम लगी। मैं बोले कि देखो अमरूद पका हुआ है, अमरूद तो खाने को चीज है। भैया कल आप लोग अमरूद तरवा कर खा कर तब जाइएगा। हम अमरुद तो बाक लिए, हमको अमरुद बहुत पसंद, इनको अमरुद इतनी पसंद आ गई कि वो वाली बुआ बोलने लगी कि आपके पेड़ में अमरुद है वो बोल दी क्या से मतलब आपके पेड़ में अमरुद है, मेरी बहन को खाने का मन कर रहा है, तब उन्होंने अमरुद दे दिया तोड़ कर। हम किसी से मांगते नहीं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे मतलब कि हाँ, एक बार ये मजाक में बोली कि अमरूद अच्छा लग रहा है तो उन्होंने भी बोला कि लीजिए खा लीजिए, तो
आप लोग अब टेस्ट कीजिए अमरूद को। हाँ, लीजिए आप भी लीजिए। तो मैं भी खाती हूँ अमरूद, और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग देखिए कि अमरूद कैसी है। नहीं हो गया, अमरूद अच्छा है ना, पापा जो गांव से लाए थे उससे अच्छा। अमरूद बहुत अच्छा था, और तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये अमरूद हमें दिया और हम खा रहे हैं। अमरूद बहुत अच्छी लग रही है खाने में, आप भी देख सकते हैं एकदम पका हुआ। इस टाइप का ना कच्चा अमरूद ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, मज़ा आ गया खाकर। रास्ते में पूरा रास्ता हम लोग का कट गया, पता भी नहीं चला इतनी टेस्टी अमरूद लग रही थी। आप लोग क्या कर रहे हैं, परवल के पेड़ देख रहे हैं हम लोग। बाय बाय। क्या बन रहा है? उड़द दाल के पकौड़े। कैसे बनते हैं? इसको रात भर भिगो कर सुबह इसे हमने पीस लिया, और इसके बाद इसमें प्याज हरी मिर्च, और इसको अभी तलेंगे। तलने के बाद प्याज के पेस्ट में पेस्ट को पूरे अच्छे से फ्राई कर देना है, फिर उसमें रस जब अच्छे से पक जाएंगे तो उसमें ये पकौड़े डाल देना है। okay. और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पकौड़े देख रही थी कब सीजेंगे तुमका खाना है। हाँ। देखो ना ये वाले पकौड़े, लेकिन एक बात आप लोग गैस कीजिएगा, उड़द दाल के पकौड़े मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया है, बट मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं ना, और जहाँ तक मुझे पता है जलेबी में ही डाला जाता है। हाँ। तो मैं आ चुकी हूँ खाना खाकर अपने रूम में, और अब हम सोने के लिए आ रहे हैं। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, और रेशम उधर बुआ के साथ कुछ बातें कर रही हैं। तो कल है नागपंचमी, और उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।